नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। पशुपालन व्यवसाय से जुड़े या पशुपालन व्यवसाय करने की सोच रहे किसानों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी वाला समाचार हो सकता है। भारत सरकार नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत बकरी, भेड़ या सुकर पालन करने के इच्छुक किसानों को 25-50% तक की सब्सिडी दे रही है। जो किसान भाई इन लघु पशुओं का व्यवसाय करना चाहते हैं, वह इस योजना में किस तरह अप्लाई करेंगे, योजना का पूरा स्वरूप क्या है, सब्सिडी की रकम उन्हें कैसे मिलेगी, योजना का लाभ लेने के लिए उनके पास क्या क्या होना चाहिए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आप उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ के रजिस्ट्रार और यूपी में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर एके से विस्तार पूर्वक जानेंगे। भारत सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना अंतर्गत इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत योजनाएं संचालित की गई हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार प्रदान करना, पशुओं में दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करना और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, क्षेत्रीय रोजगार मिले, संसाधन बढ़े, इसके लिए 50% सब्सिडी के आधार पर ये योजना संचालित की जा रही है। सबसे खास बात यह है, यह योजना में 50% सब्सिडी दी जाती है और 10% मार्जिन मनी होता है। इसमें चार योजनाएं ली गई हैं, मुख्यतः बकरी पालन के लिए और भेड़ पालन के लिए। इसमें 500 बकरी, 25 बकरा, ये योजना है लगभग 1 करोड़ की। इसमें 50% सब्सिडी है और 10% मार्जिन मनी जरूरी है। शेष का बैंक के माध्यम से लोन लेना आवश्यक है। इसी तरीके छोटे काश्तकारों के लिए भी योजना चली है, 400 बकरी की, 300 बकरी की, 200 बकरी की और 100 बकरी की। तो ये योजना काफी हद तक बहुत लाभकारी है प्रदेश के लिए। इसी प्रकार भेड़ों की सेम योजनाएं हैं। इसके अलावा सुकर की योजना है, जिसमें 100 फीमेल सुकर और 10 मेल, ये योजना है। इसमें मैक्सिमम सब्सिडी 30 लाख रुपए है। बकरी और भेड़ में 50% सब्सिडी 50 लाख तक मैक्सिमम है और इसमें 30 लाख रुपए तक है। इसी तरीके 1000 पैरेंट स्टॉक की मुर्गी पालन योजना है, इसमें 25 लाख तक सब्सिडी दी जा रही है। चौथी योजना जो मुख्यतः है, फीड एंड फॉर्डर की, साइलेज मेकिंग यूनिट बनाने की योजना और फॉर्डर ब्लॉक की योजना है, जिसमें 50 लाख तक सब्सिडी है। हम ये जानकारी देना चाहते हैं, ये सभी योजनाएं हमारे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पोर्टल पर, NLM पोर्टल है, उस पर उपलब्ध हैं। उसका वेबसाइट है www.nlmudyamimitra.in। कोई भी पशुपालक, कोई भी इंटरप्रेन्योर चाहे तो इस पे सारी सूचनाएं, सारी गाइडलाइन वो पा सकता है। NLM पोर्टल पर यह योजना ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसमें इंडिविजुअली भी आदमी एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है, ग्रुप में कर सकता है और FPO करके है वो भी आवेदन कर सकता है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप है उसमें भी आवेदन कर सकता है। तो जैसे आवेदन करेंगे वो पशुपालक या आवेदक जो है इंटरप्रेन्योर, जैसे वो रजिस्ट्रेशन अपना मोबाइल नंबर उस पर फीड करेगा, उसके पास OTP आएगा। OTP के कंफर्म करने पर वही मोबाइल नंबर उसका पासवर्ड हो जाएगा, जब चाहे इंटरप्रेन्योर पशुपालक वो देख सकता है अपना आवेदन। इसके अलावा जैसे ही वो अप्लाई करेगा वो SIA पेंडिंग में शो होगा, जिले स्तर पर योजना आ जाएगी हमारे पास। नोडल अधिकारी के नाते मेरे पास स्टेट का पासवर्ड है, मैं तुरंत उसको देखता हूँ और उस पर जनपद स्तर से आख्या मांगते हैं। आख्या में ये देखा जाता है कि उसका KYC देखिए, कि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सही आदमी है कि नहीं है, उसके पास जमीन है कि नहीं है, जमीन जहाँ है वो विवादित जगह पर नहीं है, मंदिर मस्जिद के पास नहीं है, नाले में नहीं है, रास्ता है कि नहीं है। उस जिले का जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी है वो निरीक्षण आख्या इंस्पेक्शन रिपोर्ट देता है, तब उसको हम फिर पोर्टल पे अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे पोर्टल पे वो बैंक में अप्लाई हो, बैंक में चला जाएगा एप्लीकेशन, वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएगा इस योजना का लाभ लेने के लिए।
अगर वो बैंक में जाता है वहां से फिर बैंक सैंक्शन लेटर अपलोड करता है। मान लीजिए कोई योजना 500 बकरी 25 बकरा का है, 1 करोड़ की योजना है, 50 लाख सब्सिडी हो गई, 10 लाख रुपया मार्जिन मनी हो गया, 40 लाख वो चाहे तो बैंक से लोन ले सकता है। तो बैंक सेंक्शन लेटर में प्रॉपर सेंक्शन लेटर चाहिए हमको, जिसमें ये लिखा रहे साफ साफ कि हम इतना इनको लोन दे रहे हैं, इतने महीने में ये काटा जाए, किस्त दी जाएगी और परसेंटेज किस क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पूरा डिटेल में बैंक अपलोड करता है। तो जैसे ही बैंक में अपलोड करेगा वो फिर हमारे पास स्टेट के पास आ जाएगा, हम उसको उत्तर प्रदेश सरकार शासन में ले जाते हैं प्रस्ताव। एक कमेटी है स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें 8-10 सदस्य होते हैं, सभी एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, मैं स्वयं भी उसका सदस्य सचिव हूँ, हमारे अपर मुख्य सचिव उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो उनमें सारे उसके आवेदन का परीक्षण किया जाता है कि नेशनल गाइडलाइन के अनुसार ये प्रोजेक्ट है कि नहीं है। उसको पूरी तरीके देखने के बाद संस्तुति दी जाती है कमेटी द्वारा, तो वो कमेटी का पत्र जो होता है फिर दोबारा हम अपलोड करते हैं अपने पोर्टल पर, तो भारत सरकार में जाता है। प्रक्रिया सब ऑनलाइन है, किसी को यहाँ आना नहीं है, फिजिकल कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदक देख सकता है। भारत सरकार में भेजने के बाद वो है उनके यहाँ प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी है, वो हमारे अनुमोदन के बाद दोबारा उस पर हम लोगों के साथ बैठक होती है, उसमें वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है। ये मैं पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ, जैसे ही भारत सरकार अप्रूव्ड करेगा उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास, मैं उसको बैंक में भेज देता हूँ, या बैंक में सीधे भी जा सकता है लेंडर में। तो उसमें जो है जो बैंक लोन दिया गया है, सैंक्शन किया है बैंक से, जो भी अमाउंट बैंक वालों का सैंक्शन हुआ है, वो कम से कम 1/4 लोन उस पर प्रथम किस्त के रूप में दे देता है इंटरप्रेन्योर को। तो फॉर्मेट 1 एक होता है, उसमें वो अपलोड करेगा बैंक, उसके बाद निरीक्षण आख्या दी जाती है, जैसे ही अपलोड किया जाएगा और फिर स्टेट पे आ जाएगा। स्टेट पे आने के बाद हम उसका इंस्पेक्शन करवाते हैं जिले स्तर से, जरूरी हुआ तो निदेशालय स्तर से भी, कि ये इंटरप्रेन्योर बकरी पालन का ही उसी जगह पर कर रहा है कि नहीं, GPS पे उसका रिव्यू किया जाता है कि जो अप्लाई किया है जमीन वही जमीन है कि नहीं है, उसी जगह पे नहीं है कि नहीं है, और कार्य करने वाला है कि नहीं है, उसकी जिले स्तर से एक रिपोर्ट आती है, तो फिर उसको अपलोड किया जाता है अपने स्तर से, स्टेट स्तर से हम लोग अपलोड करते हैं, तब वो सब्सिडी के लिए जाता है भारत सरकार, वहां पर वो अपना फाइनेंस में भेजते हैं, वित्तीय निरीक्षण होता है, ऑडिट निरीक्षण होता है, वो सब्सिडी सीधे बैंक में आधा सब्सिडी 50% सब्सिडी, मान लीजिए 50 लाख की सब्सिडी है तो 25 लाख सीधे बैंक में उपलब्ध करा देते हैं, बैंक के माध्यम से इंटरप्रेन्योर को मिल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है, ये योजना 50% सब्सिडी की है, और हमारे यहाँ अब तक 1000 से 1200 एप्लीकेशन आ गए हैं, लगभग 25-30 एप्लीकेशन सेंक्शन हो गए हैं, 10 से 15 इंटरप्रेन्योर को सब्सिडी भी इश्यू हो गई है। ये योजना अच्छी तरीके से स्टेट में चल रही है और आगे भी हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं, प्रस्ताव तमाम आवेदन आ रहे हैं, जैसे जैसे आते हैं भारत सरकार में भेजा जाता रहता है। ये पूरी योजना का एक स्वरूप है। थैंक यू। इस योजना से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा अपना सवाल कमेंट्स बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर के साथ लिख सकते हैं। चैनल आपके सवाल का उचित समाधान प्रदान करने का प्रयास करेगा।